हाँ जी बेटा, आई एम अगेन रिकॉलिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज या द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, या हम ये भी कह सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. That means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus area square. Converse of Pythagoras theorem says that if h square is equal to p square plus b square, then जो है triangle is right angle. अब जो triangle हमें पहले दी है h square is equal to p square plus b square, हमें नहीं पता ना hypotenuse कौन सी है, perpendicular कौन सी है, base कौन सी है, तब ये हम कहते हैं कि अगर किसी भी साइड के स्क्वायर जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स है तो दैट मींस द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, दैट इज ऑलवेज अ राइट एंगल. ओके बेटा, हम ऐसे भी वर्डिंग दे देते हैं, क्लियर. इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.5 में. व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट और द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स are given below. Determine which of them are right triangle. In case मेरे पास जो है of a right triangle, write the length of the hypotenuse. मैं आपको एक चीज बता दूं, hypotenuse हमेशा largest side होती है. मतलब अगर किसी भी three sides में triplet satisfy हो रहा है, मतलब h square is equal to b square plus p square हो रहा है, तो 100% जो लार्जेस्ट साइड होगी ना वो hypotenuse ही होगा. तो लेट अस सी, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट मेरे पास दिया हुआ है 3, 8 and 6 सेंटीमीटर. नाउ आपने 8 square 64, 3 square प्लस 6 square 9 plus 36, तो ये कितना आया बेटा 45. बोथ आर नॉट इक्वल, तो दैट मींस कि जो है मेरे पास क्या है यहाँ पर, दैट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं. अब अगली देखें, लास्ट पार्ट मेरे पास जो है 30 12 5. 13 square is 169, 12 square or 5 square 144, 20. बट मेरे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल अगर मुझे बताना कि किस एंगल पे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज के सामने ऑपोजिट साइड मेरे पास हो है. अब बेटा हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट साइड जो है 100% आपको ट्रायंगल में कब लेबलिंग दी होगी कि अगर ये 13 है तो इसकी ऑपोजिट वाला, दैट मींस ये तो वो 100% 90 डिग्री एंगल होगा ही होगा. ओके बेटा, क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास जो है ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी. In the second portion, it is mentioned there. मेरे पास हो गए कि triangle PQR right angle at P, तो that means कि मुझे जो triangle बनानी है उसमें एक angle जो है वो 90 degree लिखना ही लिखना है. तो बेटा उसके लिए I am making a triangle. In the second portion, PQR or P is here. Q is here and R is there and M is a point on QR. They just write QR पे there is one point M such that बेटा PM जो है वो perpendicular to QR है. Okay जी, show that PM square. To show PM square that is equals to QM into MR. अब देखो ध्यान से,
मुझे कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस लगानी है कि जो है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगानी है। 90% या 95% हम ये बच्चों को समझाते हैं अगर दो साइड्स में मल्टीप्लाई है ना तो हमेशा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर स्केयर है इधर भी स्केयर होता तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट चलता। नो डाउट हम कहते हैं कि जब भी स्केयर वाली बात हो और 90 डिग्री एंगल की बात हो तो यूज पाइथागोरस थ्योरम, बट प्रोवाइडेड यहाँ दो टर्म्स में प्लस या कुछ और इधर भी तो स्केयर होना चाहिए बट इट इज स्केयर नहीं है तो मेरे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, सिमिलैरिटी वाला। आपसे ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस इन दिस क्वेश्चन विच क्राइटेरिया या विच कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम कॉन्सेप्ट या दो और कॉन्ग्रेंसी कॉन्सेप्ट, कुछ और एक दे दिया, ऑल ऑफ दीज कुछ भी दे दिया तो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? पीएम ये वाली ट्रायंगल में आ रहा है ना, स्केयर है मतलब ऐसी दो ट्रायंगल्स देखनी है जिसमें पीएम पीएम आए। अगला क्या आ रहा है, क्यू एम एंड एम आर, यानी क्लियर कट मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास अगर मैं देखूं या ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल, लेकिन अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेती हूं मेरे पास सिर्फ एक ही चीज कॉमन है 90 90, एनीथिंग एल्स? हम कॉन्ग्रेंसी नहीं कर रहे, वी आर डूइंग सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में एंगल एंगल है तो साइड की रेशियो चाहिए या कोई और एंगल चाहिए? एक एक सेकेंड, आपको जो ट्रायंगल आ रही है वो एक ये छोटी आ रही है और इधर से छोटी आ रही है, क्यू आर का हाफ, बिल्कुल जी बेटा मैं क्या कह रही हूं, एक सेकंड बेटा एक सेकंड, हाँ जी आपको अगर आप ये चीज ले रहे हो ना कि मेरे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हाइपोटेन्यूज को वो बाइसेक्ट करता है, आप ये चीज यूज कर रहे हो? उसने मिड पॉइंट तो दिया ही नहीं, वेयर दे सेड कि दिस इज मिड पॉइंट, कैसे सेम होगी? एक सेकेंड प्लीज प्लीज, एक मिनट बेटा, ऐसे अगर आप इकट्ठे बोलोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बेटा, इन ट्रायंगल जो है राइट एंगल एट ए, इट इज गिवन ए बी डी सी, मेरे पास हो गए, अब प्लीज बेटा प्लीज, ए बी डी जो है मेरे पास राइट एंगल एट ए है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, शो दैट, अब ये पीछे क्वेश्चन जैसे ही है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू मेरे पास बी डी, क्लियर कट पता चल रहा है कौन कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर करें, छोटी और बड़ी को, तो जवाब करोगे ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है 90 90 और एंगल 20 कॉमन, दोनों में आ रहा है ट्रायंगल सिमिलर, साइड्स 100% प्रोपोर्शनल होगी,
जिससे ये निकल आए। ओके जी, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। सेकेंड पार्ट देखो जरा, अब वो ऊपर वाली ट्रायंगल और उससे आएगा ए सी कौन सा बेटा, परपेंडिकुलर दिया है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दैट इज गिवन। ए वाला बेटा कॉमन नहीं हो सकता, हाफ कहां से हो गया बेटा, हाफ कहां से हो गया मुझे बताओ। कोई हम मिड पॉइंट की बात नहीं करते, कोई हम एसोसलेस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, तो हम कैसे ले सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए बेटा, सेकंड मेरे पास है ए सी स्क्वायर बी सी इंटू, हाँ जी मेरे पास हो गए ए सी स्क्वायर, ये वाली साइड बी सी और डी सी, मेरे पास ये वाली। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, पहले छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी के साथ सिमिलर, फिर ऊपर वाली ट्रायंगल बड़ी के साथ सिमिलर, उससे कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट ही वही है। अब मैं बार बार कह रही हूं, यू हैव टू लर्न द रिजल्ट। डैश यहां पर बन के आ सकती है, डैश यहां बन के आ सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मेरे पास बेस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, मेरे पास हो गए बी सी बी डी, ये भी हो सकता है। अगला मेरे पास हो गए जो अंदर वाला परपेंडिकुलर स्क्वायर है, जो अंदर ट्रायंगल के अंदर जो छोटी ट्रायंगल्स बना रहा है ए सी स्क्वायर, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, इस पॉइंट से इधर को और इस पॉइंट से इधर को, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाऊं सपोज, और मैंने नाम दे दिया नव्या पी क्यू आर और ये एस, ठीक है, मैं कहूं क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रूफ थोड़ा आना है हमें, बट आप उसको जनरलाइज करके ये रिजल्ट्स बना लो, एक एक लाइन लिख लो अपने लिए, नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट तरीका है, आपका टाइम भी कम लगेगा। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में नहीं आ रहा तो उसमें आप प्रूफ करोगे, दैट्स वाई हम प्रूफ आपको करके बता रहे हैं, कि आपको मेथड तो सारे आते हूं, समझ आई मेरी बात। तो अभी जो आपने करना है उसमें रिजल्ट याद करना है, कि जो भी परपेंडिकुलर है, जहां पर परपेंडिकुलर आ रहा है उसके दूसरे वर्टेक्स के प्रोडक्ट के इक्वल और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, समझ आई मेरी बात। लास्ट पार्ट है एडी स्क्वायर इज इक्वल टू BD into CD, ये भी वही है, छोटी ट्रायंगल आपके पास जो है BD, ये पूरी आ रही है और इधर क्या आ रही है CD, इसका स्क्वायर छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर से, यानी ये भी कोई भी साइड का स्क्वायर, मान लो आप ये साइड ले रहे, ठीक है ना। अब पॉइंट तो यहां पर है ना, तो डी से सी पे और डी से बी, सिंपल सी बात, ये याद रखना है, उस रिजल्ट को जनरलाइज करो, देखना आपकी ट्रिग्नोमेट्री के सारे और ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। ओके जी, करूं आगे, नहीं छोटी ट्रायंगल में बी डी आई नहीं रहा, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, अब जो प्री बोर्ड होंगे फुल फ्लेज सिलेबस और पैटर्न भी वैसे ही, मींस कि जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा, कि अगर पहले 16 क्वेश्चंस दिए हैं आपको 14 अटेम्प्ट करने हैं,
तो आपके जो फर्स्ट 14 होंगे हम उन्हीं को चेक करेंगे, है ना। तो बेटा वो तो अटेम्प्ट नहीं ना किया, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 14 यू अटेम्प्टेड, फर्स्ट 14 यू अटेम्प्टेड। मान लो आपने 12 क्वेश्चन नहीं किया, वो खत्म हो गया, आपने 13th किया ना, तो मेरे लिए फिर कहां तक क्वेश्चन जाएंगे, 15 तक जाएंगे। मान लो आपने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं बीच में, है ना, तो फिर सारे के सारे वो वाले मैं नहीं देखूंगी। तो वहां पर क्या, विवान इज सेइंग कि कोई बात नहीं, मजाक कर लेते हैं, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजाक पूरी लाइफ पड़ी है करने को बेटा। चलिए, ए बी सी इज एन एसोसलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट इफ इट इज एन एसोसलेस ट्रायंगल 100% ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब बेटा सिंस द राइट एंगल ट्रायंगल इज एट सी, तो दैट मींस ए बी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बट ए सी और बी सी क्या है, तो दैट मींस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके जी, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट, मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। हां जी, क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ, इट इज रिटन देयर ए सी इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। जो है यहां पर दिया हुआ है, हमने प्रूफ करना है कि ये राइट ट्रायंगल है, कोई उठेगा नहीं, कन्वर्स से चलेगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रायंगल इज अ